नर्मदे है, नर्मदे है। ये काशी विश्वनाथ विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ आश्रम है, यहाँ पैकमावासियों की रहने की सुविधा है, भोजन पानी की सब सुविधा है। ये विश्वनाथ खेड़ा में लगता है, ये विश्वनाथ खेड़ा स्थान का भी नाम है और मंदिर का नाम काशी विश्वनाथ खेड़ा है। देखिए ये आपको दिखाते हैं पैकमावासियों के रहने के लिए कितनी बड़ी जगह है। ये बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, ये पैकमावासियों के रहने के लिए बने हुए हैं। दरी बिछी हुई है और बाकी आसन सब लगा के रह सकते हैं, रुक सकते हैं। तो कितनी बड़ी जगह है कि यहाँ पे 50-60 पैकमावासी आराम से रह सकते हैं, इस कमरे में रुक सकते हैं। और आगे भी कमरे हैं, वहाँ भी रुक सकते हैं। जी यहाँ का बगीचा, झाड़ के पेड़ लग रहे हैं। जी महाराज जी यहाँ की सेवा करते हैं और सारे पैगमवासियों के लिए भोजन पानी सारी चीज़ें व्यवस्था भी करते हैं। यंत्र मंदिर कैसा यंत्र मंदिर? गुंबद भी यंत्र पे यंत्राकार है। अच्छा, यंत्र पे आधारित है। भोलेनाथ जो है राधे की आदि का मंदिर यंत्राकार है। मंदिर के अंदर भी जो है भोलेनाथ के ऊपर ऊंचे में गुंबद के अंदर भी कोई यंत्र बना हुआ है। अच्छा जी 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 वो दिखा, जी वो देखा। इतना कर रहा हूँ उसको बना रहा जो है। जी जी नहीं अंदर का तो ले लिया था कल ही। उल्टा करके लिया क्या? हाँ 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 यंत्र है। जी जी देखा था मगर ये नहीं पता था कि ये यंत्र है। जी ये महाराज जी मंदिर, जी ये मंदिर काफ़ी पुराना है, पत्थर का बना हुआ है। उसकी रंगाई पोताई अभी की गई है, यहाँ के महात्मा जी ने कराई है। और यहाँ का घाट भी बना हुआ है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। आज 14/1/2021 है, आज मकर संक्रांति का दिन है और हम नर्मदा जी के तट पे विश्वनाथ खेड़ा गांव में है। यहाँ नर्मदा जी के दर्शन कर रहे हैं। ये शुभ दिन नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। सुबह के समय प्राकृतिक दृश्य इतना सुंदर रहता है तटों के किनारे का। यहाँ किसानों की गांव किसानों की मोटरें लगी हुई हैं, जल से सिंचाई होती है। देखिए कितना निर्मल नर्मदा जी का जल। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। पानी के अंदर भी एकदम साफ दिखाई देता है, जल एकदम साफ निर्मल। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इसकी सुंदरता निहारते ही बनती है, जल ही जल। सुबह का समय सुंदर दृश्य, सूर्य भगवान के निकलने का समय। बहुत ही आनंद दे रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। काशी विश्वनाथ मंदिर का तट है।
भी यहाँ के अभी तत्कालीन महात्मा जो रहे हैं उन्होंने बनवाया है। ये घाट उन्हीं का बनाया हुआ है। यहाँ नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे देखिए प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, शनि देव महाराज की और नौ ग्रहों की, भोलेनाथ की। ये नौ ग्रह की मूर्तियाँ लगी हुई हैं नर्मदा जी की। शनि देव महाराज की, सूर्य भगवान की, उनके साथ ही सूर्य भगवान निकलते हुए पेड़ों की झाड़ी से दिख रहे हैं। हम उनके मंदिर में हैं और वो प्रकट हो रहे हैं। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। और यहाँ मंदिर उनका नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। ये सच में ही ऐसा ही होता है। और जब बात नर्मदा जी की महिमा की होती है तो वहाँ तो होता ही होता है। ये वाक्य कल का है। मैं ब्राह्मण घाट से शुक्रेश्वर मंदिर से आगे निकला जाने के लिए, तो सब ने यही बोला कि अब यहाँ से हाईवे जाना पड़ेगा, हाईवे से बड़वानी। तो यहाँ पे नर्मदा जी छूट जाती या नर्मदा जी किनारे की जो पगडंडी छूट जाती। तो मैंने और लोगों से पूछा तो सबने ही कहा कि नहीं इधर से जाना है। तो मुझे बड़ी निराशा हुई। मुझे लगा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई, मैया छूट जाएंगी। चलो मैया से थोड़ी दूर दूर ही चलें, मगर कम से कम कच्चा रास्ता तो हो, थोड़ी दूर तो हो। पर हाईवे यहाँ से बहुत दूर है। अगर एक बार हाईवे पे गए तो वापस नर्मदा जी तक आने के लिए कम से कम 4 से 5 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर आना पड़ेगा। तो मन में बड़ी दुख ग्लानी हो रही थी, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बताया कि जल ज़्यादा भर गया है, इसलिए आपको हाईवे से ही रोड से जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो बड़ी निराशा से जा रहा था तो किसी ने बोला आइए महाराज जी चाय पी लीजिए। तो हम गए चाय पीने। तो वहाँ से चाय पिलाने के बाद उसने कहा यहाँ एक मंदिर है काशी विश्वनाथ खेड़ा, आपने दर्शन किए? तो मैंने कहा नहीं वहाँ तो नहीं किए, सुखदेव ऐश्वर मंदिर के दर्शन किए थे। कहे नहीं यहाँ बहुत अच्छा है, सुंदर मंदिर है, प्राचीन है, आप जाके करिए। हम यहाँ आए, करीब 1.5 किलोमीटर अंदर आना पड़ा। नर्मदा जी के तट पर ही है, जो आप इससे पहले वीडियो में देखा होगा उसी मंदिर में। तो मैंने वहाँ से महात्मा से पूछा कि अब मुझे वापस जाना पड़ेगा वहाँ तक। तो बोले नहीं, किसने कहा, ये तो पश्चिम मार्ग ये रहा बगल में। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता। तो मैंने कहा कि सब लोगों ने कहा वापस जाना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर बाहर, फिर उसके बाद हाईवे पे जाना पड़ेगा 4 किलोमीटर, फिर वहाँ से बड़वानी तक। कहे नहीं ऐसा नहीं है, ये नर्मदा जी की महिमा है, नर्मदा जी के तट के पास ही होती है, जल तो हमेशा ही इतना भरा रहता है, तुम पगडंडी यहाँ से पकड़ो और सीधे। और फिर हमें ये रास्ता मिल गया। तो कहते हैं जो जैसे भाव से जैसे चाहता है उसी हिसाब से उसको मिलता है। जो लोग सिर्फ जाना चाहते हैं या बस पूरी करनी चाहते हैं परिक्रमा,
तो उनको वो लोग मिलते हैं जो बताते हैं हाईवे से जाओ, यहाँ से जाओ, ऐसे जाओ। पर जब आप जो पैकमा करने वाले हैं उनसे मिलेंगे, जैसे गांव का है तो गांव का व्यक्ति एक ही गांव के बारे में जानता है, तो वो बोलेगा आगे का पता नहीं क्या है, तो बोलेगा नहीं सीधा रास्ता जाओ, हाईवे से जाओ, हाईवे से रोड रोड जाओ। पर जो पैकमा करने वाले हैं, जैसे साधु महात्मा संत लोग हैं, आश्रम में रहने वाले हैं, जिन्होंने पैकमा की है, जो पैकमा का महत्व अच्छे से जानते हैं कि तट के किनारे किनारे ही चलना चाहिए, तो वो सही रास्ता वो बता पाते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि जो लोग ज़्यादा जल्दी में होते हैं तो वो हाईवे की तरफ से जाते हैं, सीधे सीधे निकल जाते हैं, तो वो सीधा पड़ता है और सीधा बराबर का रास्ता रहता है। पर जो लोग पैकमा करना चाहते हैं उनको मैया यही रास्ते पे पहुंचाती है, पैकमा वाले रास्ते पे। तो ये पैकमा का ही रास्ता है, तो सब लोग इस रास्ते से नहीं जाते हैं क्योंकि वो यहाँ तक आ ही नहीं पाते हैं। वो उनको या तो किसी कारण से दूर से ही जाना पड़ता है, क्योंकि ये रास्ते में थोड़ी समस्या भी है, तो अकेले जाना पड़ता है, सुनसान है। हालांकि खेत ही हैं चारों तरफ, ये केले के खेत हैं और बाकी खेत ही खेत हैं, मगर यहाँ तक भी आ पाना मुश्किल होता है। बाहर ही लोग बता देते हैं, गांव के लोग या जो भी, कि नहीं नहीं रास्ता नहीं है। पर रास्ता है वो भी सही बताते हैं, वो सोचते हैं आगे रास्ता ख़राब होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, अकेले जाने में या जाना ठीक नहीं होगा, भटक जाएंगे, इसलिए वो सीधा रास्ता बताते हैं जिसमें आप भटके नहीं। मगर हमें पैकमा करनी है मैया की, तो हमारा ध्यान पूरा का पूरा ये रहता है कि हम नर्मदा जी के तट तट के किनारे किनारे जाएं। तो मैंने विचार ये किया था मन में पहले ही कि हम ऐसे करते हैं, जो नर्मदा जी के तट पे गांव हैं तो हम एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, पर तट के किनारे के गांव ही तो हैं, तो हम गांव से गांव जाते हैं, शहर रोड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह नर्मदा जी भी पास में रहेंगी और नर्मदा जी के दर्शन भी होंगे और किनारे किनारे से पैकमा भी होगी, रोड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोड पे धूल मिट्टी गाड़ी ये सब पड़ जाती है, तो इसलिए हमें ये चाहा और हमें ये मिला। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। देखिए कितना सुंदर ये खेत तो से हरा भरा, और इसके आगे ही नर्मदा जी है, इसके ढाल के आगे, उस खंभे के आगे ही नर्मदा जी हैं, यहाँ से दिख भी रही है। हम नर्मदा जी के साथ साथ ही चल रहे हैं, मगर नर्मदा जी के तट के किनारे किनारे चलने की वजह से हमको अकेले ही चलना है, और हमको तो पैकमा करना है नर्मदा जी के साथ, ना कि किसी के साथ। मैया के भरोसे आए हैं, मैया के भरोसे ही आगे बढ़ना है, और मैया ही इतने आनंदपूर्वक ऐसे रास्तों के दर्शन कराते हुए चल रही है। देखिए केलों का बगीचा, केले ही केले, छाव में आनंद के साथ, रोड पे तो धूल गाड़ी मिट्टी, गाड़ियों की इतनी ज़्यादा आवाजाही होती है कि पगडंडी पे भी चलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ महात्मा जी ने बताया कि मुश्किल से आपको 5 किलोमीटर रोड पे चलना पड़ेगा सिर्फ टोटल यहाँ से बड़वानी तक जाने के लिए। तो हमें इतनी खुशी हुई हम बता नहीं सकते, मन में उत्साह उमंग फिर से भर आया, और बड़े आनंद से जो उसके साथ भक्ति पूर्वक मैया का ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ने लगे। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। इसीलिए जब कभी आप अगर पैकमा करें, अगर आप किनारे से जाना चाहते हैं तो किनारे के बने हुए आश्रमों में जाएं, तटों के किनारे बने हुए आश्रमों में जाओ, और लगभग सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछते रहें आगे का रास्ता, कच्चा रास्ता या जो भी। हमें तो कम से कम मैंने 50 लोगों से पूछा होगा, और 50 लोगों ने यही कहा होगा कि नहीं रास्ता आगे बंद है, पानी भरा हुआ है। तो मेरे दिमाग में तभी आया था कि नहीं पानी ज़रूर भरा होगा, मगर कोई ना कोई गांव तो किनारे किनारे होगा ही,
तो हम एक गांव से दूसरे गांव तक जाने का वो करेंगे, हम रोड पे नहीं जाएंगे। और फिर हम किनारे पे आ गए और महात्माओं ने बताया कि ये रास्ता पहिमा का है, किनारे किनारे का है। एक गांव वाला दूसरे गांव, दो गांव या तीन गांव का ही जानता होगा पता, और आगे का नहीं, क्योंकि वो गांव के बाहर बहुत कम ही जाते होंगे या जाते होंगे तो एक दो गांव ही, तो उन्हें नहीं पता होता कि पहिमा का रास्ता है कि नहीं। तो हमने यही तय किया एक गांव से दूसरे गांव जाने का, नर्मदा जी के किनारे किनारे गांव वालों का, ना कि रोड का। अगर हम देखिए, इस केले के बगीचे के आगे ही नर्मदा जी हैं, और अगर हम रोड से जाते तो वो जो पहाड़ दिख रहा है इससे भी बहुत आगे, 4-5 किलोमीटर आगे जाना पड़ता, तो हमें कितनी ज़्यादा दूरी जानी पड़ती, हम मैया के भी दर्शन नहीं कर सकते। जहाँ पे रास्ता नहीं है वहाँ तो ठीक है, मगर जहाँ पे रास्ता है वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि जाने की। बस यही है कि इन रास्तों पे आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, मैया के सहारे ही चलना पड़ेगा, मगर मैया किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती है, कोई चीज़ की समस्या नहीं होने देती है। यहाँ पर भी जहाँ भी भटकने का चांस आता है, मैंने अभी यही अनुभव किया, पीछे 2-3 रास्ते आते हैं तो तुरंत कोई ना कोई मिल ही जाता है, ऐसा मैया की महिमा है कि मिल ही जाता है। कल से मैं यही देख रहा हूँ, जहाँ भी अगर ज़रा से भी भटकने की कोशिश वो होती है तो तुरंत कोई ना कोई मिल जाता है जो बताता नहीं नहीं ये गलत है इधर से जाओ। तो मुझे तो वो मैया द्वारा भेजा हुआ ही लगता है, कि वरना ये सुनसान जगह पे आता ना कहाँ से आ जाता है, वो भी एकदम टाइम से, मतलब एक्यूरेट टाइम, सहयोग इतना अच्छा कैसे हो सकता है बिना किए। इसीलिए पहिमा करने में, अकेले करने में मैया पे विश्वास भी बढ़ता है और आनंद भी आता है, और आप अपने हिसाब से ही कर सकते हैं। और अकेले में ध्यान भजन भी अच्छा होता है, मैया का ध्यान करते हुए आराम से धीरे धीरे पहिमा करनी चाहिए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हम विश्वनाथ खेड़ा से जा रहे हैं लोहारा गांव, और वहां का कपिलेश्वर शिव जी का मंदिर है, वहां जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे। पहिमा कर रहे हैं तो नर्मदा जी के दर्शन और शिव जी के मंदिरों के दर्शन ही करते चले, तभी तो आनंद है। संतों महात्माओं के दर्शन होते रहे, आश्रमों के दर्शन होते रहे, यही तो पहिमा का आनंद है, न कि रोड रोड शहरों की रोडों को और गाड़ियों को देखें। कितना सुंदर हरा भरा एकदम केलों का बगीचा, देखने में बड़ा आनंद आ रहा है। ये लाइन वाले से लगे हुए केले के पेड़ों का बगीचा बड़ा ही सुंदर लग रहा है। देख सकते हैं ये केलों का बगीचा, केले ही केले लगे हुए हैं। ये ऐसे लगता है जैसे कोई गुफा हो गई हो, इतने घने। घने में है, हो गया है छा, ये लगता है कोई गुफा है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। ये नर्मदा जी का तट पास में ही है, हम नर्मदा जी के साथ साथ ही चल रहे हैं, बस थोड़ी ऊंचाई पे चल रहे हैं, बस दूर से ही सही, मगर नर्मदा जी के दर्शन होते रहने चाहिए। जब तक दर्शन होते हैं तब तक आनंद बना रहता है। वो नर्मदा जी नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।
नर्मदे हर नर्मदे हर, ये चिचली गांव का आश्रम है। यहाँ यहाँ पे महात्माओं की सेवा होती है, पैगमावासियों की सेवा होती है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो वो दूसरी तरफ चले जाते हाँ हैं। निकल जाते हैं। तो इसलिए आप, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से भी आप रुक सकते हैं, जा सकते हैं। पैगमा मार्ग है, आपको भी दिखाता हूँ। ये महात्मा लोग, नर्मदे हर नर्मदे हर सरस्वती। हाँ बताइए, ये गांव का नाम बताइए। चिचली चिचली गांव चिचली है, डिस्ट्रिक्ट बड़वानी है, चिचली महाराज से तहसील ढिबरी है। जी देखिए, ये साधु महात्मा व पैगंबर वासियों की सेवा करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे ये चाय बाल भोग सब चीज़ की व्यवस्था करते हैं। तो जो महात्मा आते हैं या पैगंबर वासी आते हैं, तो यहाँ पे रुक भी सकते हैं। तो चिचली गांव में भी रुकने की भी व्यवस्था व्यवस्था, है। पूर्ण व्यवस्था है जी यहाँ। जी तो देखिए, आप नाम क्या मेरा है? टीकम चंद कुमावत, टीकम चंद नाम कुमावत। कुमावत, सरनेम है, निवासी वहीं से हूँ, अच्छा, यही चिचली के मंडल मंडी निवासी का हैं। निवासी हूँ। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सेवारत रहा हूँ, जी जी रिटायरमेंट हो रहा है, 18 साल हो रहा है। जी और जैसे प्रभु की दया से चारों धाम भी हो चुके हैं हमारे 92 में, जी और रत्नभूमि मेला भी रह चुका हूँ मैं। जी अब देखिए, अब यहाँ पे ये पैगमा वासियों की सेवा करते हैं। तो आप चिचली गांव से भी होके आ सकते हैं, यहाँ नर्मदा जी के पास ही पड़ेगा। तो नर्मदा जी से दूर जाके पैगमा करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है, आप नर्मदा जी के तट से जाइए। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, चिचली गांव की जैसे पड़ेगा, और आप चिचली गांव होते हुए जा सकते हैं। अगर देर हो, टाइम हो, तो यहाँ रुक भी सकते हैं, रुकने की पूरी व्यवस्था है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर। क्या नाम है आश्रम का? नहीं, लोहारा में आश्रम ही माता जी का आश्रम है। अच्छा वो तो जी, माता जी अब रहे नहीं, कुंवारी कन्या रही हैं, और अच्छा लंबे अच्छा समय से उनका विसर्जन हो गया है, जी बहुत जी समय हो गया उनका। जी मैं जी तो उनके यहाँ बहुत गया हूँ। अच्छा जी, अच्छा वहाँ हाँ, वो सभी सभी व्यवस्थाएं हैं। और जी उसके बावजूद तो पास में एक आश्रम में पहाड़ी पर जी वहाँ शंभू बाबा के नाम से वो आश्रम है, उस आश्रम पे निश्चित जाइएगा। जी जी मैं तो गुरु जी वहाँ बहुत जाते हैं, पूरा परिवार जाते हैं, जी जी उनके बहुत जगह आश्रम है। और अभी तो उनका दर्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जी उनका वैसे महाराष्ट्र में भी उनका आश्रम है, जी जी और वैसे निवासी अच्छा, ये वो। कपिलेश्वर हाँ कपिलेश्वर वही वही स्थान है, वही है? वही अच्छा लोहारा अच्छा कपिलेश्वर जी वही जी स्थान है। जी जी और वहाँ स्वामी जी जो हैं उनका है शंभू जी बाबा, शंभू शंभू बाबा जय शंभू के नाम से जानते जी हैं, जी जी और वो पहाड़ी पे उनका आश्रम है। जी आप वो जी लोहारा भी घाट पर रहिएगा, सब कुछ रहिएगा, लेकिन उस पहाड़ी पे जी जी नहीं रहिएगा नहीं जरूर जाऊंगा तो बिल्कुल निश्चित। और जी वैसे वो बाल्यावस्था से ही है, अगर जी उनकी तारीफ में जाकर मैं कहूँ तो मैं आपको उनका फोटो नहीं भी नहीं दे कोई सकता बात नहीं, हूँ। मैं जा ही रहा हाँ हूँ वहाँ पे, आश्रम तो पे हो ही जाएगा। रहिएगा, वहाँ मिलेंगे, व्यवस्था पूरी है जी वहाँ, जी रहने जी करने की सब व्यवस्थाएं हैं, जी मंदिर है, शिवालय है। और वैसे अभी तो वो उनका भी अभी यहाँ एक से कितनी दूरी पे होगा? यहाँ ज़्यादा ज़्यादा 4 किलोमीटर, बस ठीक है, तब तो सही है। 4 किलोमीटर समझो क्या मतलब है कि लोहारा अपना लोहारा हाँ अपना हाँ 3 2 उधर समझो, 1.5 किलोमीटर, 4 या 5 किलोमीटर हाँ, लंबा नहीं। बचपन से कुंवारे हैं, जी जी बाल ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी जी तो मैं जिस समय वो पढ़ा रहे हैं फोटो कैमरा मिलेगी। जी कोई नहीं, जय शंभू के नाम से है, जी पहाड़ी पे आश्रम है। और जिस समय वो माँ के गर्भ में आए हैं तब से माँ ने अन्न छोड़ दिया, अच्छा तब से माता जी ने अन्न छोड़ा है। आज इतने लंबे समय तक आज भी वो अन्न ग्रहण नहीं है उनकी माता जी, उनका पूरा परिवार है, रहने वाले वो रायपुर खरगोन के पास के हैं। और वो उनका आश्रम एक तो महाराष्ट्र में है, एक अपना आप हर्ष आप छोड़ के आए होंगे, जी 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 बाल ब्रह्मचारी जी लेकिन हाँ जी।